हॉलीवुड डायरी के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम अमेरिकन हॉरर फिल्म साइरेंट को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। ये फिल्म 2016 में रिलीज हुई थी और इसे क्रेग बिशप ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म की मुख्य भूमिकाओं में चेस विलियमसन और हैना फियरमैन है। और आज का शॉर्ट आउट जाता है रितेश, आकाश, आशुतोष, स्वागत और अभय गिल को। तो इसी तरह हम अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। और आगे बढ़ने के पहले हमेशा की तरह इस बार भी हम आपको बता दें कि ये वीडियो भी स्पॉइलर से भरा हुआ होगा। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत में एक चर्च के पास हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि एक आदमी का इंतजार कर रहा होता है और फिर वो पुलिस ऑफिसर उस आदमी के साथ चर्च के अंदर जाता है जहाँ चारों तरफ लाशें पड़ी होती हैं और वहाँ बकरों के कटे हुए सिरों को भी इस प्रकार लगाया गया था, जिसे देखकर हमें ये साफ पता चल रहा था कि वहाँ कोई काला जादू किया जा रहा था। तभी वहाँ खून से सने हुए पैरों के निशान देखते हैं जो कि दीवारों से होते हुए छत की ओर जा रहे थे। यहाँ हम देखते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, पर वो आदमी बिल्कुल रिलैक्स था, जैसे ये सब उसके लिए नॉर्मल बातें हो। और फिर उस पुलिस ऑफिसर को भी कोई मार देता है। उस पुलिस ऑफिसर का फेस देखकर ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने उसे चबा लिया हो। तभी वहाँ एक लड़की दिखती है और वो आदमी उस लड़की से बातें करते हुए उसके पैरों में बेड़ी पहना देता है। यहाँ हम आपको बता दें कि इन सभी लोगों को इस लड़की ने ही मारा है और ये लड़की कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम एक कपल जोना और ईवा को देखते हैं। एक हफ्ते बाद इन दोनों की शादी होने वाली थी, इसलिए जोना अपने भाई मैक और दो दोस्तों के साथ बैचलर पार्टी मनाने जाता है। ये लोग वेगास जाने वाले थे लेकिन मैक प्लान चेंज कर इन सभी को गार्डन सिटी लेके जाता है। मैक सभी को एक स्ट्रिप क्लब में लेके जाता है लेकिन वो जगह उतनी मज़ेदार नहीं थी जितना उन लोगों ने सोचा था और वो लोग जल्दी ही वहाँ बोर होने लगे थे। तभी मैक को वहाँ एक आदमी मिलता है जो उसे बोलता है कि वो उन लोगों को एक ऐसी जगह ले जा सकता है जो इससे कई गुना ज़्यादा बेहतर है। वो बहुत ही मज़ेदार है, वहाँ बेहतरीन म्यूजिक और बहुत ब्यूटीफुल लड़कियाँ भी हैं। मैक ये सुनते ही वहाँ जाने को तैयार हो जाता है और फिर मैक बाकियों को भी उस आदमी के बारे में बताता है। हालांकि बाकी वहाँ जाना नहीं चाहते थे लेकिन मैक सभी को जाने के लिए कन्विंस कर लेता है और फिर ये लोग उस आदमी के पीछे जाते हैं। वो इन लोगों को शहर से दूर एक सीक्रेट लोकेशन पर लेके जाता है जहाँ एक सीक्रेट क्लब था। ये चारों उस क्लब में जाते हैं। हालांकि वो क्लब मज़ेदार तो था पर वहाँ कई लोग और चीज़ें बहुत ज़्यादा वियर्ड थी। और फिर वहाँ उस क्लब का ओनर आता है, वो वही आदमी था जिसे हमने फिल्म की स्टार्ट में उस लड़की के पैरों में बेड़ियाँ डालते देखा था। इस आदमी का नाम निक्स है और वो वहाँ सभी को बोलता है कि आज हमारे क्लब में कुछ लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, इसलिए वो उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट देगा। और फिर वो जोना का नाम लेता है। ये सुनकर जोना हैरान हो जाता है कि उसे जोना का नाम कैसे पता। जोना अपने भाई मैक से पूछता है कि क्या ये सब तुमने प्लान किया था, पर मैक को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसके बाद निक्स उन लोगों को एक सेपरेट रूम में लेके जाता है। वहाँ वो लोग निक्स को बताते हैं कि जोना की शादी होने वाली है और इसलिए वो लोग चाहते हैं कि जोना आज रात इतना इन्जॉय करे कि वो ये रात ज़िंदगी में कभी ना भूले। और फिर निक्स उन लोगों के साथ एक डील करता है कि वो जोना को ट्रीट देगा, ये तीनों उसकी फ़ीस भरेंगे। और फिर वो जोना को एक दूसरे एरिया में भेजता है जहाँ जोना को एक कमरे में बंद वही लड़की दिखती है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। जोना उससे बातें करता है और फिर वो गाना गाना चालू कर देती है और गाना सुनते ही जोना अपना होश खो देता है। उसे अपने लाइफ में किए गए सभी इंटरकोर्सेस का प्लेजर फील होता है और वो मदहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ निक्स उन तीनों से फीस के रूप में कुछ अजीब ही मांगता है। वो उन्हें बोलता है कि उन्हें फीस के रूप में उनके माँ के साथ की बैसियाँ दे देनी होगी। हालांकि ये बातें उन्हें कुछ अजीब लगती है पर वो हाँ बोल देते हैं। और फिर वहाँ एक लड़की आती है। निक्स उन लोगों को बोलता है कि अपना सिर नीचे कर अपने शूज की तरफ देखो और अपनी माँ के साथ बिताए गए बेस्ट मेमोरीज को याद करो। और इसके बाद वो उन लोगों को बोलता है कि तुम्हारा पेमेंट हो गया है। ये बात सुनकर उन लोगों को थोड़ा हैरानी तो होती है पर वो लोग इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। वहीं दूसरी तरफ जोना जब वहाँ से वापस आ रहा होता है तो वो लड़की जोना को रुकने के लिए बोलती है और तभी जोना को पता चलता है कि उस लड़की को वहाँ कमरे में लॉक कर रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ जोना का फ्रेंड एलियट
उस अजीब लड़की से लीच वाला ड्रिंक मांगता है और उस ड्रिंक को पीने के बाद उसकी तबीयत खराब होने लगती है। वो बहुत ही दुखी हो जाता है और रोते हुए बोलता है कि मैंने उस लड़की को मार दिया है। ये बात सुनकर जब मैक उससे पूछता है कि तुम्हारे ड्रिंक में क्या था, तो वो बोलता है मेमोरीज थी। तभी उन्हें उन लोगों की गर्दन पर एक टैटू दिखता है। यहाँ इस चर्चा की बात यह थी कि उन लोगों ने तो कभी कोई टैटू किया ही नहीं था। इसी दौरान जोना वहाँ आता है और वो मैक और एलियट को बाहर जाकर कार स्टार्ट कर उनका वेट करने के लिए बोलता है और वो अपने साथ रैंड को लेकर वापस उस लड़की के पास जाता है। तभी ये दोनों उस आदमी को देखते हैं जो उन्हें वहाँ लेकर आया था। वो निक्स के बॉडीगार्ड से बातें कर रहा होता है और उसे बोलता है कि आज वो 4 नए मछलियों को फंसा के यहाँ लाया है, यानी वो जोना और उसके दोस्तों के बारे में बोल रहा था। वो उसके बॉडीगार्ड को बोलता है कि निक्स को थैंक्स बोलना, क्योंकि उसकी वजह से ही वो अपने मरे हुए बेटे से आज बात कर पाया। आगे हम देखते हैं कि जोना उस रूम का लॉक तोड़कर उस लड़की को आज़ाद कर देता है और फिर जब ये लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं तभी निक्स का बॉडीगार्ड इन लोगों पर अटैक कर देता है। यहाँ रैंड उससे लड़ता है और जोना को वहाँ से भागने के लिए बोलता है। इस दौरान वो लड़की उस बॉडीगार्ड के पास से चाबी लेकर जोना के साथ एक बाथरूम में छुप जाती है और फिर वो उस चाबी से अपनी बेड़ियाँ खोल लेती है। तभी वो बॉडीगार्ड भी वहाँ जाता है और फिर वो लड़की उस बॉडीगार्ड पर अटैक कर देती है और उसे किसी जानवर की तरह नोच नोच कर खाने लगती है। इसी दौरान उसका बॉडी स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है और उसकी बॉडी में पूंछ भी आ जाती है। ये सब देखकर जोना बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भागता है। जोना भागकर मैक के पास आता है और ये लोग देखते हैं कि उस क्लब से लोग चीखते हुए बाहर आ रहे हैं और तभी रैंड भी वहाँ जाता है और फिर ये चारों वहाँ से भाग जाते हैं। जोना बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है और वो बाकियों को बताता है कि वो लड़की कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। इसी दौरान एलियट अजीब हरकतें करता है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। तभी वो लड़की उड़ते हुए वहाँ आती है और इनकी गाड़ी पर अटैक कर देती है, जिस कारण इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और फिर एलियट को वो कार से बाहर खींच लेती है। इसके बाद वो एलियट को भी मार देती है। इसी दौरान एक कार आते देख रैंड उससे हेल्प लेने जाता है, लेकिन वो उसे ठोकर मार देती है। वो कार निक्स की होती है। ये देखकर जोना और मैक जंगल में भाग जाते हैं और रैंड वहीं कार के नीचे छिपता है, पर निक्स उसे पकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ वो लड़की जोना और मैक का जंगल में पीछा करती है। यहाँ जोना मैक को बताता है कि वो जोना के पीछे आ रही है क्योंकि वो उसे पसंद करती है और यही कारण था कि उसने एलियट को कार से बाहर खींचा था, क्योंकि एलियट ने जोना की जैकेट पहनी थी और उस जैकेट से जोना की ही स्मेल आ रही थी। और तभी ये दोनों समझ जाते हैं कि वो जोना को उसकी स्मेल से ढूंढ रही है और फिर ये दोनों अपनी बॉडी में कीचड़ लगाकर वहीं छिप जाते हैं। वो इनके बाजू से गुजर जाती है पर इन्हें ढूंढ नहीं पाती। वहीं दूसरी तरफ निक्स रैंड को टॉर्चर कर रहा होता है और उससे पूछता है कि उन लोगों ने उसे आज़ाद क्यों किया। यह रैंड बताता है कि उसके फ्रेंड जोना ने उसे सिर्फ इसलिए आज़ाद किया था क्योंकि उसे वहाँ लॉक करके रखा गया था। तभी निक्स बोलता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो लिलिथ है, जिसे हम एक डिमन भी कह सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोना और मैक भागकर एक रेस्टोरेंट में पहुँचते हैं जहाँ दो पुलिस ऑफिसर होते हैं। वो उन पुलिस ऑफिसर को सारी बातें बताते हैं, लेकिन इसी दौरान हमें उन पुलिस ऑफिसर के नेक पर भी वही टैटू दिखता है जो कि नेक और बाकियों के नेक पर उस क्लब में आ गया था। तभी उसमें से एक पुलिस ऑफिसर निक्स को कॉल कर ये सारी बातें बता देता है और निक्स उसे बोलता है कि वो उन दोनों को लेकर चर्च आए और फिर वो रैंड को पनिश करने के लिए उसके पैर तोड़वा देता है। वहीं दूसरी तरफ मैक उन लोगों के नेक पर वही टैटू देखकर समझ जाता है कि ये लोग भी निक्स से मिले हुए हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। वो पुलिस ऑफिसर उन दोनों के हाथों में हथकड़ी लगाकर उन्हें ले जाने लगता है। तभी वहाँ लिलिथ आती है और वो गाना गाकर पुलिस ऑफिसर को अपने बस में कर मार देती है और दोनों पुलिस ऑफिसर्स को मारने के बाद वो जोना को बोलती है कि वो उसे पसंद करती है। यहाँ जोना भागने की कोशिश करता है पर वो कामयाब नहीं हो पाता और फिर लिलिथ मैक के सामने ही जोना को उठाकर वहाँ से ले जाती है। वो जोना को जंगल में ले जाकर उसके साथ फोर्सफुली इंटरकोर्स करती है। वहीं दूसरी तरफ हम निक को देखते हैं जिसके साथ वो अजीब लड़की भी होती है
और वो उसे बोलता है कि उसे रेंट की पेन वाली मेमोरी चाहिए। और फिर वो लड़की अपने सिर से विग हटाती है। यहाँ हम देखते हैं कि उस लड़की के सिर पर बालों की जगह लीच होते हैं, और यहाँ ये साफ हो जाता है कि वो लड़की भी कोई नॉर्मल औरत नहीं है, बल्कि वो भी एक डिमन है। और फिर निक्स रेंट को एक बार फिर नीचे देखने को बोलता है, और फिर वो लड़की एक लीच निकालकर रेंट के बॉडी के अंदर डाल देती है, और फिर उसे बाहर निकालकर उसे एक ड्रिंक में रख देती है। यहाँ बहुत सारी बातें क्लियर हो जाती है, जैसे कि वो टैटू तब आते हैं जब वो लड़की लीच के जरिए मेमोरीज कलेक्ट करती है, और निक्स भी किसी कल्ट सोसाइटी का मेंबर है और वो डिमन्स को अपने साथ रखता है, और उनके जरिए वो लोगों को फिजिकली और मेंटली प्लेजर देता था, और उसके बदले वो लोगों की मेमोरीज ले लेता था। आगे हम देखते हैं कि जोना को उसकी मंगेतर का कॉल आता है, जिस कारण उसकी नींद खुलती है। वो अपनी मंगेतर से बातें करता है। यहाँ वो देखता है कि लिलित सो रही थी, और इसी बात का फायदा उठाकर जोना भागकर होटल चला जाता है। वहाँ होटल में वो लड़की भी आती है। वो जोना को वो लीच वाला ड्रिंक पीने को बोलती है। जैसे ही जोना वो ड्रिंक पीता है, उसे रेंट की मेमोरी रिकलेक्ट होती है, और उसे उस दर्द का एहसास भी होता है जो उसके पैर टूटते समय उसे हुआ है। साथ ही उसे निक्स का मैसेज भी मिलता है। निक्स जोना को बोलता है कि यदि वो रेंट को जिंदा देखना चाहता है तो उसे लिलित को वापस देना होगा। जोना उस लड़की को बोलता है कि लेकिन लिलित उसके साथ नहीं है। तभी वो जोना को बोलती है कि वो उसे कंटिन्यू फॉलो कर रही है, और वो जहाँ भी जाएगा वो उसके पीछे आएगी। और फिर वो जोना को उसी चर्च में लेकर जाती है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, और वहाँ निक्स भी होता है। निक्स जोना को बोलता है कि उसे वो बेड़ी वापस उसके पैर में पहनानी होगी, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसके आदमी रैंड को मार देंगे। निक्स जोना को ये भी बोलता है कि वो ऐसा कर सकता है क्योंकि लिलित उसे पसंद करती है। और तभी वहाँ लिलित आती है, और वो निक्स के लोगों को मारना चालू कर देती है। यहाँ निक्स जोना के गले पर चाकू रखकर लिलित को बोलता है कि यदि वो शांत नहीं हुई तो वो जोना को मार देगा। और फिर लिलित जोना को बचाने के लिए शांत हो जाती है, और फिर जोना उसके पैरों में बेड़ी बांधने की जगह उसे बोलता है कि वो घर जाना चाहता है, इसलिए वो उसके पैरों में बेड़ी नहीं डालेगा ताकि वो भी अपने घर जाए। लिलित उसे हाँ बोल देती है, और फिर जोना बेड़ी फेंक देता है। तभी लिलित निक्स के बॉडीगार्ड पर अटैक कर देती है और उसे मार देती है। इसी दौरान निक्स जोना को भी चाकू मारने वाला होता है। तभी वहाँ मैक आ जाता है, और वो निक्स को लोहे की रॉड से मारकर जोना को बचाता है। और फिर वो जोना को बोलता है कि वो रेंट को फ्री कर कार में उसका वेट करे। इसी दौरान निक्स मैक पर अटैक कर चाकू से उसका गला काट देता है, और फिर वो जोना को मारने जाता है। तभी सायरन यानी लिलित गाना गाना चालू कर देती है। यहाँ निक्स ना चाहते हुए भी उसके आवाज़ से उसकी कंट्रोल में आ जाता है, और फिर लिलित निक्स को भी मार देती है। इसके बाद जोना देखता है कि मैक मर चुका है, और फिर वो रेंट को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी एक बार फिर से लिलित उसे बोलती है डोंट गो। जोना लिलित को बाय बोलने उसके पास जाता है। वो उसे हग कर किस करती है। इसी दौरान हम लिलित की आंखों में आंसू भी देख सकते हैं, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। जोना जब रेंट को लेकर उस चर्च से बाहर निकल रहा होता है, तब भी वो चर्च के ऊपर बैठकर उसे जाते हुए देख रही होती है। आगे हम देखते हैं कि जोना और ईवा की शादी हो चुकी है, और उसकी शादी की पहली एनिवर्सरी होती है। यहाँ जोना और ईवा एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हुए एक दूसरे के साथ इंटरकोर्स करते हैं। और इसके बाद जोना जब नीचे पानी पीने जाता है तो वो देखता है कि ईवा नीचे सो रही होती है। तभी वहाँ लिलित आती है जो कि अपने नॉर्मल रूप में होती है, और उसे देखकर जोना समझ जाता है कि ऊपर उसके साथ ईवा नहीं बल्कि लिलित थी। वो उसे समझाता है कि ईवा उसकी वाइफ है और वो यहाँ नहीं रुक सकती, उसे यहाँ से जाना होगा। तभी ईवा जाग जाती है और वो लिलित को देखकर चीखती है, और फिर लिलित उस पर अटैक कर देती है। यहाँ जोना उसे बचाने के लिए लिलित को बोलता है कि वो ईवा को ना मारे, और उसके बदले में वो उसके साथ चलने के लिए तैयार है। लिलित ईवा के सामने ही जोना को लेकर वहाँ से उड़ जाती है, और ईवा बेबस होकर रोते हुए ये देख रही होती है। और ये मूवी यहीं
एंड हो जाती है। इस मूवी में जिस डिमन को बताया गया है वो लिलित है। लिलित को क्वीन ऑफ डिमन भी बोलते हैं। ये रात की डिमन है जो कि सिडक्टिव नेचर की होती है और मर्दों को लुभाती है। हिब्रू बाइबल के अकॉर्डिंगली ये ईडन की पहली वाइफ है और ईश्वर की बात ना मानने के कारण यह शैतान बन गई। इसका जिक्र और भी कई सभ्यताओं में किया गया है कि ये मर्दों के साथ फिजिकली रिलेशन बनाकर अपने डीमन बच्चे पैदा करती है और क्योंकि ये एक शैतान है इसलिए मर्दों का खून भी पीती है। साथ ही ये औरतों के लिए भी डेंजरस है। कई मैथोलॉजी में इसे प्रेग्नेंट औरतों को परेशान करने वाली और उनका मिस कैरेज कराने वाली बताया गया है। यहाँ तक कि कुछ सभ्यताओं में इसे न्यू बॉर्न बेबीज को चुरा कर उनका खून पीने वाली भी बताया गया है। अब मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमने देखा था कि एक चर्च में काला जादू करने वाले लोगों को लिलित ने मार दिया था। तो यहाँ ये हो सकता है कि उन लोगों ने रिचुअल परफॉर्म कर लिलित को वहाँ बुलाया लेकिन वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाए और उसने सबको मार दिया। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और उन्हें भी बोले कि वो भी हॉलीवुड डायरी को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप सभी हॉलीवुड डायरी को ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और एक बार फिर से आप सभी का हॉलीवुड डायरी के परिवार का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।